आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फी। सिर्फ 3 चीजों से बनकर ये तैयार हो जाती है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। हमें इसे घंटों पकाना भी नहीं है और बहुत ही मजेदार बनती है। तो चलिए बनाते हैं बेसन की बर्फी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये छान कर बेसन ले लिया है। तो ये 2.5 कप बेसन है और 1 कप से मैंने नाप कर 2.5 कप बेसन लिया है। अब हमें बेसन को भूनना है, तो मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें डालेंगे हम बेसन। और ये मैंने 1 कप घी ले लिया है, तो घी को हल्का सा मेल्ट कर लिया है। अब हम घी के साथ बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है बेसन, बस अब हमें इसे भून लेना है। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और हमें इसे बिल्कुल बराबर चलाते रहना है, क्योंकि गैस का फ्लेम मीडियम है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और जो हमारी बर्फी है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जब तक कि इस पर हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता, जब तक हमें इसे भूनना है, अच्छे से खुशबू नहीं आ जाती जब तक हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए इसमें 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए बेसन को, इसमें हल्के हल्के बबल आने लगे हैं। अभी हमें इसे तकरीबन 2 मिनट और भूनना है। और ये देखिए काफ़ी पतला हो गया है बेसन और अच्छे से भुन भी गया, हल्का सा ब्राउन कलर भी आ गया है इसमें और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है बेसन में से। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, मगर हम इसे अभी बराबर चलाते रहेंगे क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है ना वो गर्म है। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, हल्का सा और चला लेंगे हम इसे और फिर हम इसे रखेंगे साइड पे। अब हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने 2 कप शक्कर ले ली है मैंने, क्योंकि हमने 2.5 कप बेसन लिया था, तो मैंने 2 कप शक्कर ले ली है और इसमें डालेंगे 1 कप पानी। और अब हम शक्कर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब हम इसे पकाकर इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का इसमें तार बनने लगा है और इस तरह करने से चाशनी में तार आ रहा है। जैसे जैसे ये ठंडी हो रही है एक तार हो रहा है इसमें। तो बस हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। अब वापस से मैंने बेसन ले लिया है, मगर गैस का हमने ऑफ ही रखा है। अब डालेंगे हम इसमें चाशनी। तो सारी चाशनी मैंने बेसन में डाल दी है, अब साथ साथ इसे चलाते भी रहेंगे हम। और जैसे जैसे हम इसे चलाएंगे ना वैसे ही ये गाढ़ा होने लगेगा। और हमें गैस को ऑफ ही रखना है। अब डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1 पिंच के बराबर मैंने येलो फूड कलर डाल दिया इसमें। अब हमें इसे बिल्कुल बराबर से चलाते रहना है जब तक कि ये जमने जमने जैसा नहीं हो जाता। तो ये देखिए अभी तो पतला है ये, हम अभी इसे और चलाते हुए, तो ये देखिए अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको जमा लेंगे। तो ये मैंने एक ट्रे पर बटर पेपर लगा लिया है, उस पर मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है, तो उस पर ही हमें हमारी बर्फी जो है इसको सेट करेंगे। तो ये मैंने सारा डाल दिया है इस पर। अब हम इसे फैला लेंगे और अच्छे से बिल्कुल चिकना कर लेंगे ऊपर से। तो 1 फ्लेट स्पून पे मैंने ऑयल लगाकर उससे इस तरह से इसको चिकना कर लिया है बर्फी को। अब डालेंगे हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम, हल्का सा स्पून से इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि जो बादाम है वो अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये 2 घंटे हो गए, अच्छे से सेट हो गई, ठंडी हो गई है हमारी बर्फी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम ये साइड के काट लेंगे। तो देखिए काटने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी बनी है, एकदम सॉफ्ट बनी है। तो मैं इसके चौकोर पीस काटूंगी। तो ये देखिए हमारा 1 पीस निकल गया है, कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है हमारी बेसन की बर्फी। तो ये देखिए तैयार है हमारी ढेर सारी बेसन की बर्फी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और देखिए कितना आसान है इसे बनाना और एकदम सॉफ्ट और खस्ता है।